शुरुआत हो, वो एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज चीजें जो है सामने थोड़ी लाई जाती हैं, जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या RJD का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकापरस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। बनारस का मतलब है विकास, अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं, अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात है, जो संयोजक बनने से वो खुश थी कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है, इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या, काशी और मथुरा, यकीनन देश की आत्मा से जुड़े ये मुद्दा अब सियासत के केंद्र में है। खबर है कि ज्ञानव्यापी मामले पर ASI ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। ASI ने सील बंद लिफाफे में पेश की रिपोर्ट, अब 21 दिसंबर को रिपोर्ट बाहर आ सकती है। वैसे मुस्लिम पक्ष की मांग है कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए, मगर दूसरी तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तैयार हो चुका है। मसला सियासी है क्योंकि काशी में PM मोदी का दौरा और प्रधानमंत्री के शब्द इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 2024 में BJP का मुद्दा राम मंदिर होने वाला है, जिसके बाद अयोध्या, काशी और अब मथुरा को लेकर BJP 24 के रण की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ BJP के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन भी 19 दिसंबर को लामबंद होने की कोशिश में लगा है, जहां UP में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होना है। तो अब देखना यह है कि एक तरफ BJP के मुद्दे पर तैयारी, तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बारी, आखिर कौन जीतेगा 2024 की पारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो क्या राम मंदिर अनुच्छेद 370 हिंदुत्व ही BJP का मुद्दा बनने जा रहा है? क्या इन मुद्दों के सहारे 2024 में BJP जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है? वाराणसी पहुंचे देश के प्रधानमंत्री अपने ही अंदाज में इस बात की तस्दीक करते हुए दिखते हैं, यानी काशी से अयोध्या तक ही नहीं बल्कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने और पूरे देश को राममय करने के लिए BJP पूरी रणनीति का ताना बाना बुन चुकी है। वैसे भी BJP का पूरा फोकस UP की सियासी जमीन पर है और ऐसे में राम मंदिर के जरिए राम धुन पर BJP देश की सियासत को झूमने पर मजबूर करेगी, ये भी तय है। बहुत सबसे शिखर पुरुष नायक उनको निवेदन किया गया है, रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन उनको व्यक्तिगत मिला गया है, लार्सन टुब्रो के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रमण्यम उनको बंबई में व्यक्तिगत भेंट हुई है, अंबानी और अडानी जी को व्यक्तिगत मिला गया है,
तमिलनाडु के रजनीकांत जी को भी मिला गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद, इनको निवेदन गया है। पद्म भूषण द्रोणाचार्य अवार्डी गुरदास मान सिंगर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण के सीरियल में जो उन्होंने राम का एक्टिंग किया, अरुण गोविल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी फिल्म सेंसर बोर्ड में है आजकल। और इसी के साथ ही आपको सुनाते हैं कि लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक। गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस। तो अयोध्या से सियासी संदेश, उद्घाटन में चार धाम समेत 1000 से अधिक लोग, दुनिया के प्रमुख हिंदू मंदिरों और नेपाल के राजा को भी भेजा गया निमंत्रण। कॉरिडोर में 7 मीटर ग्रीन बफर जोन, 10 मीटर का पैदल क्षेत्र तैयार। कॉरिडोर के साथ 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह तैयार। 4000 परिवारों के लिए सामान रखने की अलमारी की व्यवस्था। कॉरिडोर में पीने के पानी की व्यवस्था, आराम के लिए आश्रय मंडप, हाईटेक कार पार्किंग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी गाड़ियों की व्यवस्था। तो आज बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को जो बैठक होनी है उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। मैं आपका परिचय करा दूं, सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र वर्मा सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास ही आऊंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर इस समय है और काशी से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि 2024 के लिए हिंदुत्व के मुद्दे की जो बात हो रही थी वो मुद्दा आपका तय है। प्रियंका जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये हिंदुत्व के ये तो हमारे एजेंडा में ही था कि हम राम राज लाएंगे, तो ये कोई नई बात तो है। और जहां तक आपने कहा कि वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं और नरेंद्र मोदी जी अगर बनारस के हैं तो उनका अपना क्षेत्र है, तो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि हर सांसद का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में जाए और क्षेत्र की विकास के बारे में देखे वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन विपक्ष इस बात का हमेशा आरोप लगाता है कि आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप इससे चुनावी रणनीति के तहत पूरी प्लानिंग की जा रही है, और जिस तरह से प्लानिंग दिखाई दे रही है 24 से पहले, ऐसे में विपक्ष यदि सवाल कर रहा है तो वो गलत भी नहीं है। नहीं प्रियंका जी देखिए, अब तो ये भी पूछते थे कि आप डेट बताओ, कब दर्शन करवाओगे, कब राम मंदिर बनवाओगे, ये तो ये भी पूछते थे। जब अब हम डेट बता दिए, अब हम वहाँ पर पूजा के लिए इन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो अब ये भी सवाल कर रहे हैं। ये तो विचित्र हाल है इस देश का कि अगर आप काम करो तो वो भी सवाल उठाएगा, काम ना करो तो भी सवाल उठाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करने के लिए जानी जाती है, और उन्होंने जो भी वायदा 2014 में किया वो उस पर जो है लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 100% जो है 100% जो है हम खरा उतरने का काम किए हैं और जनता के बीच में रहने का काम किए हैं। तो विपक्ष का काम है वो आरोप लगाते रहे और जनता जो है इनको नकारते रहेंगे। हमारा मकसद है विकास होना, हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश की विकास हो, जनता के बीच में हम रहे, और विपक्ष जो है आरोप ऐसे ही लगाते रहे। हम तो चाहते ही हैं कि हमेशा आरोप लगाते रहे और हमेशा ये बचे रहे। ठीक है जितेंद्र जी,
सुरेंद्र जी का कहना है कि हिंदुत्व तो हमेशा से उनके एजेंडे में थे एजेंडे में था, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 22 जनवरी की तैयारी हो रही है उसका निशाना 2024 है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भगवान पर कोई कॉपीराइट तो है नहीं, कोई कहीं लिखा तो है नहीं कि भगवान श्री राम या माता सीता केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने उनका कोई बैनामा करा रखा है। और मंदिर भी अगर चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, भगवान राम को ला रहे हैं, अगर ऐसे शब्दों का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बताने की कृपा करें, क्या मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है? मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट, मंदिर का जो ट्रस्ट है भगवान राम का, जो ट्रस्ट बना है वो मंदिर बनवा रहा है। इनका मंदिर से कहीं कोई न तो इनकी कोई भूमिका है, न भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं, ठीक है जितेंद्र जी, आप बिल्कुल, आप अगर ये बात कहें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तमाम विपक्ष और उसमें आप भी शामिल थे, आप ही तो पूछते थे ना कि मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये सवाल आप बीजेपी से करते थे ना कि ट्रस्ट से। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, पूरे देश की जनता के सामने फैसला हुआ और राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बन रहा है। नहीं जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की ना तो इसमें कोई भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना हम बनाएंगे ना। नहीं लेकिन जब आप सवाल करते थे, जब आप सवाल करते थे तो आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते थे क्या? हाँ सुन लीजिए, उसका बहुत तगड़ा जवाब दे रहा हूँ आप। जब हम इसे पूछते थे तो कहते थे हम बना रहे हैं ना, इसलिए हम इनसे पूछते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर ट्रस्ट, भगवान राम मंदिर का ट्रस्ट उसका निर्माण कर रहा है। ये होते कौन है किसी को बुलाने ना बुलाने? सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिएगा, ये होते कौन है? कुछ नहीं है, ये कैसे बुला सकते हैं किसी को, किसी को विरोध कर सकते हैं? ये राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, उसको आंतरण करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिएगा, जितेंद्र जी कह रहे हैं आपकी तो कोई भूमिका ही नहीं है। इनकी कोई भूमिका नहीं, इन्होंने तो बल्कि इन्होंने हमारे राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया, और ये कह रहे हैं कि हमने सवाल पूछा, अरे ये क्या बताएंगे, इनके बड़े नेता जो है हर रोज सवाल पूछते थे कि आप डेट बताओ, आप तारीख बताओ, कब दर्शन करवाओगे, इनको तो मालूम ही नहीं होगा कि इनके जो नेता जो है किस प्रकार से हमारे राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया, और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सत्ता पाने के लिए अगर कुछ और भी गोलियां चलवानी पड़ती तो और भी हम चलवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे अगर आतंक फैलाएंगे तो उनको तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं ठीक है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, राम मंदिर तो 22 जनवरी को है ही, लेकिन राम मंदिर के साथ ही साथ बीजेपी के दो और मुद्दे हैं, जिस तरह से काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की बात होती है उसको तो आप मानेंगे कि बीजेपी ने बनवाया? ये भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा ही है लोगों के बीच किसी तरह से दूरियां पैदा की जाए। सवाल ये नहीं कहाँ पर मंदिर बन रहा है या कहाँ पर मस्जिद बन रहा है, आज देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि आज देश में रोजगार कहाँ है, आज देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, करप्शन कितना बढ़ गया है, इस पर इनका जवाब नहीं होता है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का विषय है? ये तो कोर्ट कचहरी और मंदिर और मस्जिद के बीच का विषय है। नहीं जितेंद्र जी, हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी से मैं इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो वो तो हमेशा से ही मानते हैं कि हिंदुत्व उनके एजेंडे में है, उनके मुद्दे में है। यदि आपको लगता है कि आपके मुद्दे इतने प्रखर हैं, इतने स्ट्रांग आपके मुद्दे हैं, तो फिर इन तमाम बातों पर सवाल पूछने की जरूरत ही क्या होती है? लेकिन आप सवाल पूछते हैं और जब उसका उत्तर आपको मिलता है तो फिर आप कहते हैं कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से बीजेपी का इशारा साफ नजर आ रहा है, 24 पर निशाना तो है लेकिन उसके साथ ही साथ अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर जो तैयारी है, काशी और अयोध्या का मामला लगभग पूरा हो चुका है और मथुरा को लेकर तैयारी है, क्या आपको लगता है कि इसकी काट विपक्ष ढूंढ पाएगा? देखिए ये तो समय बताएगा और विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा तब खुलासा होगा कि क्या रणनीति होगी। अभी जो गठबंधन का चल रहा है इसमें बहुत बड़ा पेच एक्चुअल में कहीं सीट बंटवारे का रहेगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन कितनी सीट पर नहीं लड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बीजेपी
कोई पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। नहीं, वो तो बीजेपी का हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की यदि मैं बात करूँ तो विपक्ष जिस तरह से अभी तक मनमुटाव सामने आ रहा है, क्या लग रहा है आपको कि एकजुट हो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए? देखिए, संभावनाएं कम है। जहां सीट बंटवारे का नंबर आएगा, अखिलेश जी कहेंगे कांग्रेस को कि भाई 2 सीट पर लड़ लो उत्तर प्रदेश में, तब क्या कांग्रेस मानेगी? क्या बंगाल में ममता बनर्जी मना करेंगी कि कांग्रेस को नहीं लड़ना, तो क्या कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ेगी? प्रश्न बहुत बड़े हैं और यही पेच फंसेगा और फिर अंतोगत्वा ये होगा, जिसकी जहां मर्जी आएगी वहां कैंडिडेट खड़े करेगा और लड़ाएगा। तो गठबंधनों का जो इतिहास रहा है वो भी अच्छा नहीं रहा। जनता ये भी जानती है, जब जब गठबंधन हुए हैं तो उसमें जनता के लिए नहीं है। जनता का मुद्दा क्या है गठबंधन में? जनता के लिए कोई गठबंधन नहीं होते। गठबंधन सत्ता के लिए होते हैं, कुर्सी के लिए होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में होते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, काश उसके केंद्र में। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आरबी उपाध्याय जी का कहना है कि गठबंधन कोई जनता के लिए नहीं किया जाता है, गठबंधन सत्ता के लिए किया जाता है, और जो सबसे बड़ा पेच इंडिया गठबंधन में फंसने वाला है सीट शेयरिंग, पहले आप उससे निपट लेंगे उसके बाद बीजेपी से लड़ने की तैयारी तो हो जाएगी। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समाजवादी पार्टी सत्ता में जाने के लिए भगवान का सहारा नहीं लेगी। ठीक है, भगवान आस्था का विषय है, पूजा का विषय है, सबके स्मरण का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी भगवान का व्यापार करे, समाजवादी पार्टी भगवान का व्यापार नहीं करेगी। सत्ता में पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो विकास काम किए हैं उनका जनता के बीच प्रचार करेगी, और हमारा यही हमेशा उद्देश्य रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो भी विकास काम अपनी सरकार में किए हैं हम उन्हीं को लेकर जनता के बीच आगे भी जाएंगे। और पहले भी समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी 14 साल से सत्ता से बाहर रहे, केंद्र में भी 10 साल सत्ता से बाहर रहे, तो ये अपने व्यापार करते रहे, चाहे मंदिर का व्यापार करें, चाहे भगवान का व्यापार करें, चाहे मस्जिद का व्यापार करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम है। हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूती से हमारा बन रहा है, तमाम दल उसमें खड़े हैं साथ में, अभी तमाम दल और आएंगे इंडिया गठबंधन में, और निश्चित तौर पर हम लोग इनको भारी अंतर से केंद्र की सत्ता से हराकर बाहर कर देंगे। आरबी उपाध्याय जी का जिस तरह से कहना है कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर आपके और कांग्रेस के बीच में जो पेस फंसेगा उसको लेकर फॉर्मूला अभी तक तो निकलकर सामने नहीं आया है, 3 से 4 महीने का अब समय बचा हुआ है, क्या लगता है आपको किस तरह से इसमें मामला सेट हो पाएगा? क्या यदि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करती है तो आप तैयार हैं? देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीच में कई बार ये बात कही कि सम्मानजनक सीटें वो देंगे, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हमारे साथ इंडिया गठबंधन में सम्मिलित है, उसको सम्मानजनक सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। जल्दी ही इस पर कोई पेच नहीं है, इस पर कोई झगड़ा भी नहीं है, इस पर कोई बहस भी नहीं है। बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अभी आगामी 19 तारीख को बैठक है, 19 तारीख की बैठक में तय हो जाएगा। ये सब उन लोगों का विषय है जो सीनियर लीडर है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। रतन जी, जिस तरह से 19 दिसंबर को बैठक होने वाली है और लंबे समय से ये माना जा रहा था कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अड़ने वाला है, क्या आपको लगता है कि आपके और सपा के बीच में मामला यहां पर सेट हो पाएगा यूपी में, क्योंकि 60 सीटों पर लड़ने की बात, 70 सीटों पर लड़ने की बात सपा की तरफ से सामने आ रही है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूँ, देर से आया उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने ये पहले ही कह दिया है कि हमारी जो तैयारी है वो पूरे के पूरे 80 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे अलायंस का साथी है, हम और समाजवादी पार्टी, हमारे चौधरी सिंह की भी पार्टी है, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। और राहुल गांधी जी ने पटना में पहली बैठक में, इंडिया की पहली बैठक में कह दिया था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे यहाँ पे लगभग बात पूरी हो चुकी है सीट शेयरिंग की। जो लोग राजनीतिक चाणक्य हैं या जो लोग
अलग अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो सपा अगर आपके लिए 15 सीटें छोड़ती है तो आप क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं? ये इशारा है आपका? बिल्कुल, अगर हम 15 सीट लड़के 15 सीट चुनाव जीत जाएं तो हम 80 सीट पे लड़ने की हमको क्या। और जिस तरह से आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, यदि उनको भी सीट देने की बात की जाए, आपको 10 पे समेटा जाए तो क्या होगा फिर? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पे सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। हम 10 पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, 80 पे भी हमारी तैयारी है। हमारे और समाजवादी पार्टी में बात लगभग, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 90% बात पूरी हो चुकी है और हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। आप देखना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन रतन जी, ये कैसे हो सकता है? या तो 10 होगा या 80 होगा ना, दोनों पे कैसे मामला होगा? आरबी उपाध्याय जी मेरे साथ है। आरबी उपाध्याय जी, प्रियंका जी, मैं क्लियर कर दूं, हाँ। हमारे जो उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी टोटल 80 सीटों पे है, लेकिन हम अलायंस, यानी कि बात बन गई सपा के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, वरना 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, यही कहना चाह रहे हैं क्या? बात लगभग बन चुकी है, मैंने आपको कहा ना 90% बात बन चुकी है, 10% में पेच फंसा है, वो भी क्लियर कर लेंगे, आप देखना। ठीक है जितेन जी, क्या कहना है आपका? वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप देते हैं सीटें तो ठीक है, वरना 80 पे तैयारी है। पूरे इंडिया गठबंधन में बैठ के बातचीत कई दौर की हुई, अच्छी बातचीत हुई, सारी चीजें सिटल हुई, लेकिन तमाम प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरें जरूर चलाई गई। कभी नीतीश जी नाराज हैं, तो कभी लालू जी नाराज हैं, तो कभी क्या नाम खड़गे जी नाराज हो गए, तमाम इस पर खबरें चलती रहेंगी। लेकिन चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाएगी। तमाम अपने ट्रोलर्स जो उन्होंने दो दो रुपए के कुछ के लिए जितेंद्र जी, खबरें जब चलती हैं तो आप ही के नेताओं के बयान आते हैं, उन्हीं के आधार पर खबरें चलती है। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास मैं आऊंगी। आरबी उपाध्याय जी, सीट शेयरिंग को लेकर जब बात आती है तो सीधे मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, यहाँ पर भ्रामक खबरें चला दी गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरफ 80 और 10 की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये जो भ्रामक खबरों की बात हो रही है, ये बेबुनियाद चलती है? खबरें कभी बेबुनियाद नहीं होती, खबरों का अपना एक आधार होता है जी। आप बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, तो वो खबर बनती है। आप नहीं बोलेंगे, घर में बैठेंगे, शांत रहेंगे, तो मीडिया कैसे खबर बना देगा? तो ये तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ने वाली बात है। और होगा यही कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी और बात नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा, चाहे वो मीडिया पे फोड़ा जाए या दूसरे दलों पर फोड़ा जाए। उतना आसान नहीं है। अभी इसके मित्र को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम 10 पे लड़ेंगे, 5 पे लड़ेंगे, 2 पर लड़ेंगे। यहाँ टीवी चैनल पर वोट देना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ इससे अलग होता है। यानी जब आपको पूरी उम्मीद है, 90% बात तय हो गई कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया, फिर 80 की बात कहां से आती है कि हम 80 पे भी लड़ेंगे, उससे पता लगता है कि इरादा नेक नहीं है। अगर मान गए ठीक है, नहीं तो अपना, हमने कहा 80 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन हम इंडिया अलायंस के साथी हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रतन जी, आरबी उपाध्याय जी तो कह रहे हैं कि इरादा नेक नहीं है। देखिए, अभी इरादा तो नेक है नहीं है, उपाध्याय जी कैसे बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में 20 सीट मांग रहे हैं, ये नहीं बता सकते। अपना दल जो है 10 सीट मांग रही है, ये नहीं बता सकते। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 सीट मांग रही है। तो इरादे किसके नेक हैं किसके नहीं है वो तो वक्त बताएगा। महाराष्ट्र में सिंधे जो इनका गठ है बीजेपी का, वो लगभग कम से कम 22 से 25 सीट मांग रहा है। तो इनके एनडीए के अंदर ही खोट है और इनके अंदर भी सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त चल रहा है प्रियंका जी। अच्छा ठीक है, सुरेंद्र जी, रतन जी जिस तरह से कह रहे हैं 10-15-20 सीटें मांग रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि एनडीए गठबंधन में सब बेहतरीन है? देखिए प्रियंका जी, इन्होंने जो अभी कहा कि 80 सीट की ये सारी चीजें हैं, तो मध्य प्रदेश में तो इनकी बात बनी नहीं, विधानसभा में बात बनी नहीं, विधानसभा में गाली दी एक दूसरे को, और लोकसभा में बड़ी मित्रता निभाएंगे, दोस्ती निभाएंगे, तो जनता तो सब देख लिया है ना। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला राजस्थान में आपको गाली दे रहे थे, में जो है इनकी किसी भी दल की कोई भी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी राजस्थान में, वो भी आपको गाली दे रहे थे। इस बार फिर तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी,
और इस देश में राम राज आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को खोखला बना दिया है, नरेंद्र मोदी के नाम पे अब चुनाव नहीं जीत सकते आप। इन लोगों ने गुंडा माफिया देश को लूटने का काम किया, देश के बाहर जाके देशों देश का बदनामी करने का काम इन लोगों ने किया है। अरे इस देश को बर्बाद करने वाले लोग झूठो मक्कार, देश को बर्बाद करने वाले लोग क्या बात करते हो आके बड़ी बड़ी, न तुम रोजगार दे पाए, न तुम महंगाई कम कर पाए, न तुम किसानों की आय दुगना कर पाए, न महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हो। इसीलिए आपको अभी पांच राज्यों के चुनाव में सबसे का काम किया। अरे पांच राज्यों में, इसके पहले भी कर्नाटक आपके हाथ से चला गया, हिमाचल आपके हाथ से चला गया, उसमें नहीं बोलते आप। कुछ भी नहीं गया है, जिसके हाथ से गया है कर्नाटक में। आप कर्नाटक में आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार थी, हमने छीन लिया। दोबारा जो है गुजरात हमारी, आप उसकी चिंता ना करो। सुरेंद्र प्रियंका जी इनसे पूछिए, अभी कर्नाटक हिमाचल और ये पांच राज्यों के चुनाव हुए। नहीं लेकिन रतन जी उसमें कर्नाटक और तेलंगाना आपको याद आता है, लेकिन फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो आपका गढ़ हुआ करता था उसे आप भूल जाते हैं ना। गढ़ देखो हमने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी प्रियंका जी, हमारा वोट परसेंटेज इनसे बड़ा है, 10 लाख वोट इनसे ज्यादा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पे बहुत बढ़िया काम किया और इसका नतीजा हम लोकसभा में बदल देंगे। लोकसभा में आप देख, नहीं लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर आप सवाल उठाते हैं और जनता मुहर लगा देती है, तो फिर आप सवाल उठाते हैं तो आपका काम है सवाल उठाना, लेकिन जनता तो लगातार मुहर लगा रही है ना। यदि वो हार जाते तो सवाल बनता था प्रियंका जी, अगर हमारा वोट शेयर कम हुआ होता ना तो हम आत्मचिंतन भी करते और हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है, जनता ने और कार्यकर्ताओं ने भरपूर साथ दिया है हमारा। चलिए रतन जी, तैयारी आप सभी को करना चाहिए, 24 अब बहुत दूर नहीं है और जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा ये 24 के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हर दल की अपनी अपनी तैयारी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रतन जी, जितेंद्र जी, सुरेंद्र जी और आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ ही साथ हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही है, काशी और कहीं ना कहीं अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, 22 जनवरी के साथ ही साथ 24 की भी तैयारी यहां पर पक्की मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखना यह होगा कि क्या विपक्षी दल बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ लामबंद हो पाते हैं या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।